नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आज की काम की बात के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के बारे में, जिसमें जमानत की शर्तों पर बात की गई है। और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी आपके जीवन में या आपके जानने वालों के जीवन में कोर्ट का जिक्र तो आ ही जाता है, कुछ ना कुछ काम पड़ ही जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जमानत शर्तों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि आरोपी से गूगल मैप पर लोकेशन शेयर करने या विदेशी नागरिकों के मामले में दूतावासों से आश्वासन प्रमाण पत्र मांगने जैसी शर्तें नहीं लगाई जा सकती। ये मामला कुछ यूं था, 31 मई 2022 की बात है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाइजीरियाई नागरिक जिनका नाम था फ्रैंक विट्स, उनको ड्रग तस्करी के एक मामले में जमानत दी थी। जब जमानत दी गई तो उसमें उसके सह आरोपी के साथ में लोकेशन शेयर करने की बात को कहा गया कि आप कहीं भी रहेंगे तो अपनी लोकेशन शेयर करेंगे, और लोकेशन शेयर करने के साथ साथ में आश्वासन प्रमाण पत्र लाएंगे नाइजीरियाई उच्च आयोग से। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ये कैसे पता चलेगा? आप भारत छोड़कर नहीं जा सकते, और इसका आश्वासन प्रमाण पत्र आप नाइजीरियाई उच्च आयोग से लाके देंगे। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जो आरोपी व्यक्ति था, याची जो था, उसने कहा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी, उसके पास गिरफ्तारी के लिए कोई सबूत थे ही नहीं, इसलिए लीगल एड कमेटी रिप्रेजेंटेटिव अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1994 का ये मामला है, उसके अनुसार हम जमानत के हकदार हैं। कोर्ट ने मामला सुना, सर्वोच्च न्यायालय ने जब मामला सुना तो एनडीपीएस का जो 1985 का एक्ट है उसके तहत मामले के निपटारे में देरी होती है, और आरोपी अगर 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध का आरोप उसके ऊपर लगाया गया है, इस आधार पर कोर्ट ने कहा तो उसे रिहा किया जा सकता है, जमानत पर रिहा किया जा सकता है, अगर उसने 5 साल की कम से कम सजा पूरी कर ली हो जेल में, 1,00,000 रुपये की जमानत राशि या इतनी ही राशि के जो जमानतदार है, 2 जमानतदार वो पेश कर दे, और सामान्य शर्तों में विदेशी नागरिक अगर है तो संबंधित दूतावास से देश न छोड़ने का आश्वासन प्रमाण पत्र उसको दे दिया जाए तो उसको जमानत दी जा सकती है। और इस आधार पर दिल्ली जो हाई कोर्ट है उसने जमानत दे दी। लेकिन जब जमानत दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि हमको गूगल का लोकेशन चाहिए, आप गूगल की लोकेशन शेयर करोगे, गूगल मैप पर लोकेशन शेयरिंग की आवश्यकता को इसमें जोड़ दिया गया। अब मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो 2 न्यायाधीशों की पीठ इसको सुनती है। यदि आरोपी विदेशी नागरिक है और न्यायालय द्वारा संबंधित दूतावासों या उच्च आयोगों से आरोपियों के देश छोड़कर न जाने संबंधी आश्वासन प्रमाण पत्र की मांग की गई है, तो कोर्ट कहता है, ये 2 न्यायाधीश कहते हैं कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने कहा कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्यूज्ड है, ये आरोपी के नियंत्रण से परे है, और अगर ये नहीं मिलता है तो आरोपी के अधिकारों का हनन हो जाएगा और उसको अपने अधिकारों यानी जमानत का जो अधिकार है उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। और लोकेशन शेयरिंग का जहां तक मामला है, लोकेशन शेयरिंग में पिन किए गए स्थान को साझा करने में उपयोगकर्ता जो व्यक्ति है या उनके डिवाइस की जो वास्तविक समय की स्थिति है उसमें ट्रैकिंग सक्षम होती भी नहीं है, और इस कारण से केवल जमानत को रोक देना ये कतई सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि आरोपित शर्त पूर्णतया निरर्थक है, क्योंकि इससे आरोपी व्यक्ति को ट्रैक करने में मदद भी नहीं मिलेगी और साथ साथ में एक उसमें ये शर्त भी लग जा रही है जो कि उसके अधिकारों का हनन भी है। ऐसी कोई भी शर्त जो पुलिस या जांच एजेंसी के द्वारा लगाई जा रही है वो सही नहीं है, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जो व्यक्ति है, जो उसके अधिकार है, गारंटीकृत गोपनीयता का जो अधिकार है, उसका ये हनन कर रहा है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार नहीं किया है और कई मामले हैं जिसमें किया है, लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि जमानत वास्तव में होती क्या है। जमानत का मतलब होता है कोई मुकदमा चल रहा है, जांच चल रही है, ट्रायल चल रहा है, और उसका सामना कर रहा जो आरोपी है उसको जेल में डाल दिया गया है, तो वाद की सुनवाई के दौरान उसकी उपस्थिति के लिए दी गई सुरक्षा या प्रतिभूति के बदले में आरोपी या कैदी को अस्थायी तौर पर छोड़ दिया जाना कि आप जाइए लेकिन आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, आप मुकदमे में सपोर्ट करेंगे, तो इसको जमानत कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने खिलाड़ी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाद 2009 में यह निर्णय लिया था कि अपीलीय न्यायालय को जमानत देते समय अपने कारणों को दर्ज करना चाहिए, बिना कारण के वो जमानत नहीं दे सकती।
क्योंकि हमारे यहाँ की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 ये कहती है कि सत्र न्यायालय हिरासत में लिए गए किसी भी आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दे सकती है। तो इसके आधार पर जमानत तो दी जाती है और ये उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को यानी कि जो धारा 437(3) है उसके आधार पर देखा जाए तो 437(3) के लिए आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी शर्त लगाने की अनुमति भी मिलती है। अब ये जो शर्त लगाने की अनुमति धारा 437 के तहत मिली इसी के अंतर्गत ये शर्त लगाई गई थी कि लोकेशन शेयर करें और आश्वासन प्रमाण पत्र लेके आए कि देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये जो शर्तें हैं ये 7 वर्ष या उससे अधिक जेल की सजा पाने वाले अपराधों के मामले में लगाई जा सकती हैं। इसमें ये भी सुनिश्चित करना शामिल है कि इसके समान ही आरोपी कोई अपराध नहीं करेगा और वो मामले से जुड़े लोगों को धमकाएगा नहीं। ये सारी बातें तो हो गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। इसके पहले उड़ीसा का एक मामला था शिवाशंकर दास और पिंटू बनाम उड़ीसा राज्य। इसमें इस जब याची जाता है सुप्रीम कोर्ट को तो सार्वजनिक रूप से कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। आरोपी के ऊपर लगाई गई इस शर्त को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है उसको हटा देता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है वो मौलिक अधिकारों का हनन है और मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली कोई भी शर्त ऐसी नहीं लगाई जा सकती है। ऐसा ही एक मामला आता है आंध्र प्रदेश और राजस्थान का। आंध्र प्रदेश का जो मामला है ये एन चंद्रबाबू नायडू से संबंधित है। इनको एक मामले में जमानत दी गई थी तो उसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा था कि जमानत पर तो हम रिहा कर रहे हैं आपको लेकिन आप किसी रैली या बैठक में भाग नहीं ले सकते। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां पर कहा गया कि ये तो अधिकारों का हनन है और इसको हटाया जाना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। एक मामला राजस्थान उच्च न्यायालय का था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये एक शर्त जो थी उसको खारिज की थी कि 1,00,000 रुपये का जुर्माना, 1,00,000 रुपये की जमानत और 50,000 रुपये के 2 अन्य जमानत बांड जमा करने पड़ेंगे आपको। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा अपने आप में यही बहुत बड़ी सजा है, इतना पैसा और ये सब जमानतदार कौन इकट्ठा कर पाएगा। तो न्यायपालिका हमारी इतनी कठोर नहीं हो सकती और ये अगर इतनी शर्तें आप लगा रहे हैं तो ये गलत है, तो इन शर्तों को हटा दिया गया था। एक मामला आता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, 2022 जुलाई का मामला है और ये मामला आप सबको पता है। ये मामला है आजम खां का। आजम खां वाले मामले में जब इनको जमानत दी गई थी तो कहा गया था कि अली जौहर विश्वविद्यालय को सील कर दिया जाए। तो अली जौहर विश्वविद्यालय को सील करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संबंधित आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध के संदर्भ में जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करने से ये संबंधित नहीं है, इसलिए ऐसा कोई निर्णय या ऐसी कोई शर्त आप नहीं लगा सकते। एक मामला मध्य प्रदेश का है, 2021 मार्च का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। यहाँ पे यौन उत्पीड़न का एक आरोपी था तो यौन उत्पीड़न के आरोपी को ये कहा गया था कि आप जो महिला है उसकी उसको राखी बांधेंगे। वीरता से अपनी कलाई पर राखी बांधने की बात की गई थी, मतलब वो महिला आपको राखी बांधेगी। तो महिला से राखी बांधने की जो ये बात थी, सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों को आरोपी एवं पीड़िता के बीच में संपर्क की आवश्यकता या अनुमति देने से बचना चाहिए। और आप महिला के द्वारा राखी बंधवाने की बात कर रहे हैं तो राखी अगर आप बंधवाएंगे तो उसके बीच में संपर्क होगा। और दूसरी बात यह है कि जो रूढ़िवादी सोच है, पितृसत्तात्मक धारणाएं हैं, इनको प्रतिबिंबित करने वाला कोई भी निर्णय या कोई भी शर्त ये सही नहीं है। तो राखी बांधने वाले मामले को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। तो ये ऐसे मामले हैं जो नजीर पेश करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय हमारा ऐसे जो मामले, ऐसे जो निर्णय देता है वो आगे के मामलों के लिए, क्योंकि आधार बनते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसे अधिकारों का अगर आपके हनन हो रहा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आपके मामले की सुनवाई अधीनस्थ न्यायालयों में होगी और हाईकोर्ट में होगी। कुछ मामले हैं जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अपने अधिकारों के प्रति आप सजग रहिए और अपनी न्याय व्यवस्था पर बहुत यकीन रखिए। हमारे यहाँ की जो एकीकृत न्याय व्यवस्था है ये अद्भुत है। फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में जिसमें करते हैं काम की बात। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हैं।
जय हिंद, जय भारत।